बालक बेसिक मैथ सीरीज में हम लोग पार्ट 11 तक कंप्लीट कर चुके थे। पिछले वीडियो में यानी कि पार्ट 11 में हम लोग फैक्टराइजेशन स्टार्ट किए थे। फैक्टराइजेशन का बेसिक मतलब समझे थे। फैक्टराइजेशन करने का मतलब क्या होता है, कैसे किया जाता है, क्या क्या डिफरेंट मेथड्स है, और साथ साथ हम लोग वहाँ पर देखो ये सब मेथड हम लोग डिस्कस किए थे कि ये चार मेथड से हम लोग फैक्टराइजेशन बालक कर सकते हैं। ये चार मेथड से हम लोग फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, है ना। और इसमें से ये दिख रहा है ना चारों मेथड अच्छे से। हाँ, ये चारों मेथड तुमको दिख रहा है। तो इसमें से हम लोग ये दो मेथड बालक डिस्कस कर लिए थे पिछले वीडियो में ही, बहुत सारा क्वेश्चन हुआ था। इस वीडियो में हम लोग फैक्टराइजेशन बाई फॉर्मूला देख रहे होंगे, यानी पिछले में हम लोग कॉमन लेकर के कैसे फैक्टराइज किया जाता है वो हम लोग देखे थे, और इस वीडियो में हम लोग फॉर्मूला का यूज करके कैसे फैक्टराइज किया जाता है ये हम लोग बालक डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए फैक्टराइजेशन। अगर तुमको आता है तो मैथ्स में थोड़ा सा तुम बूस्ट होते हो, और मैथ्स में थोड़ा सा नहीं बोलेंगे यार, बहुत बूस्ट होते हो। लगभग हर एक जगह फैक्टराइज करने का ज़रूरत पड़ जाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को, है ना। तो ध्यान से देखोगे, फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग फार्मूला ये हम लोग पढ़ रहे हैं। और बेसिकली देखो, नाइन्थ क्लास में देखा जाए तो और भी फार्मूला का यूज है, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, है ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। वो सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग इस वीडियो में केवल ये डिस्कस करने जा रहे हैं, ये तीन फार्मूला। पहला फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है, इसका वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू ऑलवेज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आता है। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं नीड के अनुसार, है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी जो है, अगर इसे तुम दो बार मल्टीप्लाई करते हो तो क्या वैल्यू आएगा बालक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। और ए माइनस बी के होल स्क्वायर को हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी लिख सकते हैं। ये फार्मूला तुम जानते हो, और ये तीनों फार्मूला बना कैसे इसका प्रूफ भी इस चैनल पर अपलोड है, है ना। हम कोशिश करते हैं कि उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाए, है ना। अगर नहीं मिले डिस्क्रिप्शन में तो तुम उसे सर्च कर लेना। देखो बालक, इसका प्रूफ भी अपलोडेड है। एक और यहाँ पर नोटिस करने वाला इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखोगे। पहले तो ये फार्मूला बालक तुम लर्न करने जा रहा है अच्छे से, तुम्हें माइंड में होना चाहिए, तुम्हारे माइंड में अच्छे से ये तीनों का तीनों फार्मूला। इंपॉर्टेंट बात ये बता रहे थे कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर को हम लोग बी माइनस ए का होल स्क्वायर भी लिख ले तो कोई समस्या नहीं है, बात बिल्कुल एक है, है ना। इसका जो फार्मूला होगा वही इसका फार्मूला होगा, मतलब b माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस टू ए बी। बात तो बालक एक ही है, देखो दोनों बात एक ही है, है ना, दोनों बात एक ही है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, देखोगे ध्यान से, हम लोग बालक यहाँ पर लिख सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है ना ये इक्वल होता है, ये हमेशा इक्वल होता है क्योंकि सेम आउटपुट देता है। ये सारा बात अगर समझ गए हो तो अब हम लोग क्वेश्चंस की ओर डायरेक्ट बढ़ सकते हैं। ये बस फार्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, है ना, ये फार्मूला याद होना चाहिए। हम लोग ये तीसरा पार्ट आज कंप्लीट कर लेंगे फैक्टराइजेशन का। अगले वीडियो पार्ट में डी नंबर हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी फैक्टराइजेशन बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, और ये और ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट होगा अगला वीडियो पार्ट, क्योंकि क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन में, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल वाले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के फैक्टराइजेशन में मिडिल टर्म स्प्लिट करके जो किया जाता है बालक, उसमें बहुत बच्चा को समस्या होता है। हम लोग सारा डिस्कस करेंगे और रूट वाला क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे होंगे। चलो आज फिलहाल हम लोग फार्मूला का यूज करके कैसे फैक्टराइज किया जाता है आज बालक हम लोग समझने जा रहे हैं, है ना। देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन है 100 माइनस 9x स्क्वायर, यहाँ पर कितना टर्म है बालक, टोटल दो टर्म है। इसको जब अगर हम लोग एक टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो हम लोग समझेंगे कि फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया, यही सीखे हैं ना, है ना। या हम लोग वैसा वैल्यू निकालने जा रहे हैं, वैसा हम लोग लीनियर फैक्टर निकालने जा रहे हैं जिसके हेल्प से, है ना, इसको अगर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर जीरो आ जाए। पिछले वीडियो में पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ इसको हम लोग डिस्कस किए हुए थे। तो ध्यान से देखोगे इसको कैसे किया जाए, यहाँ पर 100 को बालक 10 का स्क्वायर लिख ले क्या, 100 को 10 का स्क्वायर लिख ले तो कोई दिक्कत है क्या। और यहाँ देखो, यहाँ पर बालक माइनस 9x स्क्वायर है तो इसे हम 3x पर ब्रैकेट लगा करके अगर स्क्वायर लगा दें तो कोई दिक्कत है क्या। एक ही बात है बालक, देखो ये बात लिख लो या ये बात लिख लो, ये दोनों एक ही बात है, है ना। क्यों एक ही बात है, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए एक्सपोनेंट में कि a इंटू बी का अगर पावर 2 रहे या कुछ भी रहे,
है ना, कुछ भी पावर रहे, तो ये जो पावर है ना, ये जो पावर है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा, यानी इसको लिख पाएंगे a का स्क्वायर इंटू b का स्क्वायर। ये बात हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो जब हम लोग यहाँ पर कॉमन ले लिए तो इसका मतलब है कि जब इसको ओपन किया जाएगा तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इंटू x का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ये वाला बात। तो वापस से 3 का स्क्वायर 9 इंटू x स्क्वायर आ जाएगा। मतलब कि हम लोग देखो, मतलब ये हुआ कि हम लोग इसके प्लेस पर ये इजीली लिख सकते हैं। लेकिन इसके प्लेस पर अगर तुम, कोई कोई बच्चा ऐसे लिख देता है 3x स्क्वायर, ये गलत हो जाएगा। ये केवल x के ऊपर स्क्वायर है, लेकिन यहाँ जो लिखा गया है ना, इसमें 3 के ऊपर भी स्क्वायर है और x के ऊपर भी स्क्वायर है, इसके बदले ये लिखना है। फैक्टराइजेशन में अगर पिछला वीडियो तुम देखे हो बालक, तो एक बात तुम नोटिस कर रहे होगे कि पिछले कैलकुलेशन से जो अगला कैलकुलेशन किया जा रहा है, यहाँ पर डेटा चेंज नहीं होना चाहिए। भले उसका शक्ल चेंज हो जाए बट वैल्यू नहीं बदलना चाहिए, वैल्यू सेम रहना चाहिए। देखो अभी भी यही बात है, ये थोड़ा शक्ल चेंज किया गया है। अब देखो ये कंप्लीट ए की तरह बिहेव कर रहा है, ए का स्क्वायर माइनस ये कंप्लीट बी की तरह बिहेव कर रहा है। देखो यहाँ पर ये कंप्लीटली बी नहीं था, इसको अगर बी लीड करते ना तो ये एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा था। दोनों को इंक्लूड करके एक ही का स्क्वायर बना लिए, तो अब इसको हम ए की तरह सोच सकते हैं और इसको हम बी की तरह सोच सकते हैं। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और फॉर्मूला अभी देखे थे, अभी भी बालक फॉर्मूला देखे थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो हम लोग यहाँ सिंपली देखोगे, हम लोग यहाँ सिंपली लिख सकते हैं 10 + 3x, देखो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी। अब हमको तुम बता दो ये कितना टर्म है, तुम बोलोगे सिंगल टर्म है क्योंकि बीच में इंटू है, है ना, ये सिंगल टर्म है। और कितना टर्म था बालक, दो टर्म था, दो टर्म से हम लोग सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर लिए, यानी कि ये दो हमारे पास फैक्टर्स आ गया। तुम इससे इसको डिवाइड कर लो या इससे इसको डिवाइड कर लो, रिमाइंडर जो है वो जीरो आना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। समझ गए ना कॉन्सेप्ट, तुम समझ गए होगे बालक। अब ये बनाया जाए, देखो इसको, इसमें हम ए किसको लेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना, ए लेट करना यहाँ मुश्किल है, ए लेट करना मुश्किल है, क्योंकि देखो अगर इसको ए लेट करते हैं तो ए का स्क्वायर तो है बट इसके साथ साथ एक और टर्म है, तो इन दोनों को एक ही में कन्वर्ट किया जाए। हम लोग इसको लिख सकते हैं 7x का स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर 7 पर जाएगा तो 49 बन जाएगा और x पर जाएगा तो x स्क्वायर, बात तो यही है ना, बात तो यही है। और यहाँ पर -1/2 का होल स्क्वायर इसे लिख सकते हैं, है ना, इसको तुम ब्रेक करके देखो वापस से यही आ जाएगा। अब बताओ ये पूरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग लिख पाएंगे 7x प्लस 1/2 और 7x माइनस 1/2। देखो ये सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो गया, यही इसका फैक्टराइज वैल्यू है। मतलब इसका दो फैक्टर्स आया, एक 7x प्लस 1/2 और एक आया 7x माइनस 1/2। ये दोनों फैक्टर्स से जब तुम 49x स्क्वायर माइनस 1/4 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जो है बालक वो जीरो आ जाएगा। आई थिंक कॉन्सेप्ट तुम समझ गए होगे कि कैसे फैक्टराइज करना है कि नहीं है। चलो देखा जाए, थर्ड क्वेश्चन ट्राई करते जाओगे। अब तुम कॉन्सेप्ट सीख गए, दो क्वेश्चन सीख गए, अब तुम हर एक क्वेश्चन जब आ रहा है नया तो वीडियो को रोक लो और यार ट्राई करो, एक बार ट्राई करो तब सॉल्यूशन देखो, तब तुम सीखोगे और मज़ा आएगा। एक्स क्यूब माइनस एक्स, देखो एक्स कॉमन अगर ले लेते हैं यहाँ से तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वन, है ना। देखो एक्स स्क्वायर माइनस, इसे तो वन का स्क्वायर लिखा जा सकता है, वन का स्क्वायर वन ही होता है, वैल्यू नहीं बदलना चाहिए। मेन बात यही है कि वैल्यू नहीं बदलना चाहिए, देखो यही बात ये है और यही बात ये है, वैल्यू नहीं चेंज हो रहा, बस शक्ल चेंज हो रहा है ना। अब एक बात बता दो, एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर फॉर्मूला पर सेट कर लिया जाए, ये हो गया एक्स प्लस वन और ये हो गया एक्स माइनस वन। तो यहाँ पर बालक देखो, एक फैक्टर आया, दो फैक्टर आया और एक तीन फैक्टर आ गया। मतलब कि इस चीज़ को एक्स क्यू माइनस एक्स को, इस एक्सप्रेशन को एक से डिवाइड करो रिमाइंडर जीरो, एक्स प्लस वन से डिवाइड करो रिमाइंडर जीरो, और एक्स माइनस वन से डिवाइड करो रिमाइंडर जो है वो जीरो आएगा। इसका तीन तीन फैक्टर आ गया, एक एक्स, एक एक्स प्लस वन और एक एक्स माइनस वन। इसको करो कैसे बनाओगे, पहले सोचो, वीडियो को रोक लो सोचो। देखो बालक हम क्या बोल रहे हैं ना कि यहाँ से तुम 2a कॉमन ले लो, है ना, दोनों मेथड का यूज हो रहा है, पिछला वीडियो का भी यूज हो रहा है, पिछला कॉन्सेप्ट कॉमन भी देन फॉर्मूला यूजिंग, है ना। हम 2a कॉमन ले लिए क्योंकि देखो अभी इसको स्क्वायर में नहीं बना पाएंगे, a टू द पावर 5 है और 2 को हम लोग किसका स्क्वायर लिखेंगे, रूट 2 का स्क्वायर थोड़ी लिखेंगे, है ना। ध्यान से देखो, यहाँ पर 2a, यहाँ पर a टू द पावर 4 हो जाएगा और यहाँ पर बालक 16 हो जाएगा। बोलो एग्री हो कि नहीं हो, ब्रैकेट को ओपन करके देख लो, बात यही आना है,
है ना, मल्टीप्लाई करके देख लो, 2a इंटू ए टू दी पावर 4, 2a टू दी पावर 5 आ गया, माइनस 2 इंटू 16, 32 और a आ गया। कोई दिक्कत बालक? क्लियर है क्या बात? अब देखो, अब देखोगे 2a, इसको क्या लिख पाओगे, a का पावर 2 का पावर 2 लिख पाओगे क्या? पावर का पावर मल्टीप्लाई वापस से a टू दी पावर 4 आ जाएगा, और यहाँ से माइनस 4 का पावर 2, माइनस 4 का पावर 2। अब बताओ यहाँ पर a की तरह कौन बिहेव कर रहा है, a स्क्वायर कर रहा है। देखो ए स्क्वायर का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, चलो फैक्टराइज कर दिया जाए। 2a यहाँ से आ गया बालक ए स्क्वायर प्लस 4 और आ गया ए स्क्वायर माइनस 4। हम ये तुमसे समझना चाहते हैं कि क्या और फैक्टराइज हो सकता है, क्या और फैक्टर्स निकल सकता है क्या? बिल्कुल, और ब्रेक होगा, इसे यही तक नहीं छोड़ेंगे, इसे हम लोग फर्दर और ब्रेक कर लेंगे। ए स्क्वायर प्लस 4, यहाँ देखोगे बालक, यहाँ पर देखो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो इसे अभी हम लोग और फैक्टर्स इसका निकाल सकते हैं, यानी कि यहाँ से आ जाएगा बालक 2a ए स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ से a प्लस 2 a माइनस 2। अब इसे ज़्यादा ब्रेक हम लोग नहीं करेंगे, यहाँ पर इसका चार चार फैक्टर आ गया, यानी कि 2a टू द पावर 5 माइनस 32a का ये चार फैक्टर आ गया। एक फैक्टर आया 2a, दूसरा a स्क्वायर प्लस 4, तीसरा a प्लस 2 a माइनस 2, ये चार चार फैक्टर आ गया। और भी अगर फैक्टर्स निकल सकता यहाँ पर तो हम लोग निकालते, और अगर ब्रेक हो पाता तो बालक हम लोग यहाँ ज़रूर निकालते। ये चारों क्वेश्चन आए हो बालक, तुम अच्छे से समझ पा रहे होगे, है ना। ये जो 5 और 6 क्वेश्चन हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट है, यहीं से बालक कहीं ना कहीं तुम फंसते हो क्वेश्चन में। ज़्यादातर बच्चे को यहीं पर प्रॉब्लम आता है, और इस क्वेश्चन में सोचते कैसे हैं ये आइडिया नहीं लग पाता है, तो थोड़ा तुम्हें सोचना सिखाते हैं। ध्यान से देखोगे बालक, यहाँ पर देखो, ये एक फार्मूला है बालक, ये एक फार्मूला है, ये फार्मूला होता लेकिन यहाँ पर साइन डिफरेंट है। अगर साइन ठीक हो जाना तो ये एक फार्मूला बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ये एक फार्मूला बन जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं कि एक्स स्क्वायर यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ 1 + 2a प्लस ए स्क्वायर लिख दे तो कोई समस्या है क्या? अगर हम माइनस कॉमन ले ले तो इस तरीके से प्लस प्लस आ जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट को तुम ओपन करके देखो, वापस से वैल्यू वही आ रहा है ना, वैल्यू नहीं चेंज हो रहा है। अब देखो, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हम ऐसे लिख लें, अगर अभी तुमको ये फॉर्मूला ना दिख रहा हो ना तो हम तुमको दिखाते हैं। ध्यान से देखो, ये ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर, देखो तो कुछ चेंज हुआ क्या? कि वही बात है, बस रीअरेंज करके लिख लिए, थोड़ा सा शकल चेंज कर दिए। यहाँ पर देखो, ए स्क्वायर को पहले लिख दिए 2 इंटू ए इंटू 1, बात तो 2a ही है ना, और ये 1 को 1 का स्क्वायर। अब देखो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a हम लोग a को ट्रीट कर रहे हैं और b हम लोग 1 को ट्रीट कर रहे हैं, तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये किस चीज़ का फॉर्मूला है बालक? a प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर माइनस a प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो, अब हम लोग इजिली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये पूरा a स्क्वायर है और माइनस ये पूरा b स्क्वायर है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे a प्लस बी, है ना, a प्लस बी और a माइनस बी। देखोगे a माइनस और ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे, है ना, यहाँ पर बालक ब्रैकेट लगा लेंगे। क्यों लगाएंगे ब्रैकेट? क्योंकि माइनस आ गया, गलत हो सकता है, इसलिए जब भी माइनस आए तो ब्रैकेट लगा लिया करो, है ना। x प्लस a प्लस 1 और यहाँ से x माइनस a माइनस 1, ये तुम्हारा फैक्टराइज वैल्यू आ गया किसका, इसका, यानी कि दो फैक्टर्स आ गया, एक फैक्टर है x प्लस a प्लस 1 और एक है x माइनस ए माइनस 1, ये दो फैक्टर इस एक्सप्रेशन का हो जाएगा। बात क्लियर है ना, इसको ट्राई कर लो, इसको बालक वीडियो को रोक करके ट्राई करो, ये दोनों क्वेश्चन सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये दोनों सीख जाते हो तो फिर तुम प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे, किसी भी क्वेश्चंस में तुम वहाँ डील कर लोगे, है ना। यहाँ क्या किया जाए बताओ, देखो 1 प्लस, सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन किया जाए, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये फार्मूला है बट साइन इधर उधर हो रहा है, कैसे अरेंज किया जाए? ध्यान से देखो कि बालक 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरीके से तो लिख ही सकते हैं अरेंज करके, पिछले वीडियो में भी देखे थे, अरेंज करके भी, ग्रुपिंग करके भी हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं। यहाँ देखो, अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab बन गया बालक। ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गया, ब्रैकेट को ओपन करके देखो वापस से यही बात आ जाएगा।
माइनस इन टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इन टू बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस टू ए बी आ जाएगा ना, क्लियर है ना। अब ये फॉर्मूला बन गया, क्या लिखोगे, वन माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वन माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। अब बताओ इस वन को वन का स्क्वायर लिख ले तो कोई दिक्कत नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या लिखोगे, वन प्लस ए माइनस बी है ना, और क्या लिखोगे, वन माइनस ए माइनस बी, कोई दिक्कत बालक। यहाँ से देखो वन प्लस ए माइनस बी है ना, और यहाँ से वन माइनस ए प्लस बी, ये दो फैक्टर आ गया, किसका फैक्टर आ गया बालक, वन प्लस टू ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, देखो यहाँ पर माइनस ए और माइनस माइनस प्लस बी, कोई दिक्कत बालक। ये दोनों बेहद इंपॉर्टेंट था, वीडियो को बैक करके देखोगे सीखोगे, समझ नहीं आया होगा तो बताओगे अगले वीडियो पार्ट जब ये बन रहा होगा ना इसका, तो हम तुम्हें एक्सप्लेन कर देंगे कौन क्वेश्चन तुम्हें समझ में नहीं आया था। ये भी बहुत बेहद इंपॉर्टेंट, बस ये दो क्वेश्चन सीख लो और उसके बाद तुम अपना एक्सरसाइज बनाओ। तुम एट का बच्चा हो या नाइन का बच्चा हो, आर एस अग्रवाल का जब तुम फैक्टराइजेशन करोगे तो कहीं दिक्कत नहीं आने वाला है। बस ये दो क्वेश्चन समझ लो और पीछे का जो छः क्वेश्चन है उसे समझ लो, क्योंकि यही सब क्वेश्चंस में बच्चा को दिक्कत होता है, स्टूडेंट को दिक्कत होता है, ऑफलाइन में पूछते रहता है लोग है ना कि सर सोचे कैसे, आइडिया कैसे लगाएं, कैसे ये फॉर्मूला पर सेट करें, रीअरेंज कैसे करें है ना। तो कुछ तो प्रैक्टिस है और कुछ तुम क्वेश्चन से सीख सकते हो है ना, तो बस तुम ये सीख लो और उसके बाद कुछ प्रैक्टिस कर लो, माइंड में बैठ जाता है, आदत हो जाता है, अपने आप लॉजिक लगने लगता है कि कैसे कॉमन लिया जाए है ना। देखोगे ध्यान से यहाँ पर कैसे सोचा जाए, देखो बालक तीन टर्म है और फैक्टराइज करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर है ना, देखो ये तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, ये वन बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। देखो इसको ब्रेक करोगे ये आ जाएगा, इसको ब्रेक करोगे ये आ जाएगा, देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी होता ना तो ये फॉर्मूला हो जाता। यहाँ पर वन है, देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यहाँ पर वन है, अगर यहाँ पर टू ए बी होता ना तो काम हो जाता, फॉर्मूला बन जाता। तो बालक देखो मैथ्स में एक बात हम तुमको समझाना चाह रहे हैं कि जो होता ना उसको ला दो, जो होता उसको ला दो और फॉर्मूला बना लो। हम बोलना ये चाह रहे हैं कि मिसिंग यहाँ पर ये है, टू इंटू ए इंटू बी ये मिसिंग है, ये होता तो फॉर्मूला बन जाता। हम बोल रहे हैं कि हम इसको ला दिए, बट इसको बैलेंस करने के लिए ज़बरदस्ती थोड़ी ला देंगे, वैल्यू नहीं बदलना चाहिए है ना, इसीलिए हम एक माइनस कर लेंगे, टू इंटू एक्स स्क्वायर है ना इंटू वन बाई एक्स स्क्वायर, और लास्ट में प्लस वन था तो हम प्लस वन लिख दिए। हम क्या बोले कि फॉर्मूला पर सेट करने के लिए हम इसको ऐड करके माइनस कर लिए। बालक ये कट जाएगा वापस से, बात तो वही आ जाएगा। सेकेंड स्टेप को तुम एक बार देखो, क्या फर्स्ट स्टेप से अलग वैल्यू लिखा गया है क्या, एक ही बात है। इसको जब तुम सॉल्व करोगे ना, इसको पूरा जब सॉल्व करोगे तो बात यही आएगा, क्योंकि ये प्लस में माइनस में कट के ये हट जाएगा, प्लस वन बच जाएगा और ये एक्स टू दी पावर फोर और ये वन बाई एक्स टू दी पावर फोर हो जाएगा है ना। बस लेकिन थोड़ा सा शकल चेंज कर दिए ताकि ये फॉर्मूला पर सेट हो जाए, लेकिन वैल्यू नहीं बदलना चाहिए और वैल्यू हम बदले भी नहीं है ना, वैल्यू बदले भी नहीं। तो ये वाला क्या बन गया, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया, बना ना। देखो ध्यान से यहाँ से यहाँ तक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए और बी, तो ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और देखो यहाँ से ये एक्स स्क्वायर वाला कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा है ना, और ये माइनस टू और प्लस वन कितना हो जाएगा बालक, माइनस वन हो जाएगा। इस माइनस वन को, ये दोनों को सॉल्व किए तो माइनस वन, इसको स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, इसको स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बहुत ईजी है, देखो ये पूरा ए की तरह कंसिडर करो, कर लो इसको, और ये बी की तरह, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा बालक एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी है ना, ए प्लस बी, और नीचे में बालक एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ध्यान से देखोगे ए प्लस बी ए प्लस बी ए माइनस बी, ए क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, और बी क्या था हमारा वन था, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस तरीके से इजीली हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, और अगर हो पाता तो करते, लेकिन अब नहीं हो पाएगा, यही फाइनल छोड़ देंगे। यानी कि इसका दो फैक्टर आ गया, एक ये और एक बालक ये, कोई दिक्कत, समझ पा रहे होगे बालक है ना।
चलो इसको हम इरेज कर लेते हैं बालक, इसको हम इरेज कर लेते हैं ताकि अगला क्वेश्चन हम तुमको समझा पाए, है ना। ये 8 का 8 क्वेश्चन जो भी हम तुमको करा रहे हैं, ये 7th क्वेश्चन था, ये 8th क्वेश्चन, ये सब अगर समझ गए और उसके बाद अगर प्रैक्टिस कर लिए तो फैक्टराइजेशन पर तुम्हारा कमांड बढ़िया हो जाएगा। बेसिक मैथ्स में जितना भी प्लेलिस्ट में जितना भी वीडियो अपलोड हो रहा, अगर एक एक बात को समझ गए, थोड़ा बहुत अपने से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, मैथ्स में तुमको पढ़ने में फील आने लगेगा। क्योंकि यही सब छोटा छोटा जो बात इसमें जो करा रहे हैं ना, यही अगर तुम्हारा दिक्कत है, तुम 9th में 10th में चले जाते हो और मैथ्स में उतना फील नहीं आ पाता है क्योंकि तुम्हारा बेस कमजोर होता है। बेस को एक बार बेस पर वर्क कर लो, उसके बाद देखो मैथ्स कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है यार, है ना। यहाँ देखोगे a into a minus 1 माइनस b into b minus 1, इसको फैक्टराइज करना है, कुछ आइडिया ही नहीं आ पा रहा है, कॉमन भी नहीं ले सकते हैं ना, ये और ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ है, है ना। ऐसे सीन में ब्रैकेट को ओपन कर लिया जाता है। देखो ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए और यहाँ से माइनस बी स्क्वायर प्लस बी। देखो ध्यान से, ठीक है ना, ब्रैकेट को ओपन कर दिए, माइनस बी इंटू बी, बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू माइनस वन प्लस बी, है ना। अब देखो यहाँ से बालक, ध्यान से देखो, यहां से इन दोनों को एक साथ लाया जाए तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, और इन दोनों को एक साथ लाया जाए तो माइनस ए प्लस बी। इन दोनों को एक साथ रीअरेंज कर लिए ताकि कुछ कॉमन निकल जाए, फॉर्मूला का यूज करने के बाद कॉमन निकल जाए। इसको हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। और यहां से देखो, यहां से अगर हम लोग माइनस कॉमन ले ले, माइनस कॉमन ले ले तो यहां से क्या बचेगा, ए माइनस बी। देखो तो इसको हम ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट को ओपन करोगे तो माइनस ए इंटू माइनस ए हो जाएगा, माइनस ए इंटू ए माइनस ए और माइनस माइनस प्लस बी, है ना। अब वी हैव टू टर्म्स, वन एंड वन, दो टर्म्स है हमारे पास, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, देखो ध्यान से, ए माइनस बी दिख रहा है ना, ए माइनस बी यहाँ पर कॉमन दिख रहा है दोनों टर्म में, तो यहाँ से ए प्लस बी बच जाएगा और यहां से बालक माइनस वन बच जाएगा, यानी फाइनल आंसर इज माइनस वन। दो फैक्टर आ गया, एक ये फैक्टर और एक बालक ये फैक्टर, किसका ये दोनों फैक्टर आया, इस एक्सप्रेशन का, है ना। मतलब क्या है कि इस एक्सप्रेशन को तुम इससे डिवाइड कर लो या इससे डिवाइड कर लो, रिमाइंडर जो है वो जीरो आ जाएगा। तो ये रहा बालक, ये जो वीडियो था इसमें हम लोग समझे कि फॉर्मूला का यूज करके कैसे हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, फैक्टर्स निकाल सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। अगला वीडियो पार्ट जो होगा फैक्टराइजेशन का, वो कल ही आएगा और वो बेहद इंपॉर्टेंट होगा। उसमें हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को, यानी डिग्री 2 वाले एक्सप्रेशंस को, जिसका एक्स का पावर जो 2 है, वैसे एक्सप्रेशंस को कैसे फैक्टराइज किया जाए, उसका कैसे हम लोग फैक्टर्स निकाला जाए, और काफ़ी यूजफुल होगा तुम्हारे हायर क्लासेस के स्टडी में। अगर उसमें फील आ गया, उसका कॉन्सेप्ट मजबूत हो गया, तो बालक उसके बाद फिर तुम्हें मैथ्स में मज़ा आने लगेगा, है ना। एक एक बात ध्यान से समझते चलो, और उसके बाद हम लोग फिर मूव करेंगे ज्योमेट्री साइड में। अभी तक हम लोग इक्वेशंस बनाना सीख लिए, है ना, स्टेटमेंट पढ़कर, वेरिएबल कांस्टेंट, ये सब बेसिक बातें हम लोग क्लियर कर लिए। उसके बाद एक्सपोनेंट पढ़ लिए, हम लोग फैक्टराइजेशन अभी पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग ज्योमेट्री सेक्शन में मूव करेंगे और ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल लेंगे। सारा बेसिक्स पर अपना कमांड हो जाएगा और उसके बाद तुम मैथ्स का कोई भी चैप्टर पढ़ो, मज़ा आएगा। बाकी 10th का वीडियो अपलोड हो ही रहा है, ट्रिगो पॉलिनोमियल ये सब कंप्लीट हो गया है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अपलोड हो रहा है। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा बेसिक ठीक हो रहा है, ठीक हो गया है और मैथ्स में और आगे जाना है, तो मैथ्स बूस्टर बालक जो प्लेलिस्ट बनाया गया है उसमें बहुत सारा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चंस उसमें अपलोड हुआ है, वहाँ जाके भी तुम ट्राई कर सकते हो। तो बालक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, बाय।